सो दोस्तों, मैं हूं प्यारी गेमर और आज मेरे पास है रियलमी C51। और आज हम करने वाले हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इस फ़ोन में गेमिंग टेस्ट, इस फ़ोन के सभी फीचर्स के बारे में आज अब मैं आपको बताऊंगा। बॉक्स के पीछे काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशन पर लिखा हुआ है, जैसे कि 33 वॉट का फास्ट चार्जर है, 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा है एंड यहाँ पर इसका जो थिकनेस है वो 7.99 mm अल्ट्रा स्लिम ये फ़ोन है। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा है इस फ़ोन में। इस फ़ोन के सभी फीचर्स के बारे में एंड गेमिंग टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना एंड कैमरा टेस्ट भी हम करने वाले हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को हम बाहर निकालते हैं, डेयर टू लीप, एंड सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा ये सिम इंजेक्टर टूल जो कि नॉर्मल सा है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गाइड है, सेफ्टी गाइड है एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। ये है सिलिकॉन का केस कवर, अच्छी क्वालिटी का है, इसको भी हम लगा कर देखेंगे फ़ोन में, साइड में रखते हैं इसको। अब फ़ोन की बारी, तो फ़ोन को निकाल लेते हैं जल्दी से बॉक्स से बाहर एंड साइड में रखते हैं। एंड यहाँ पर इन द बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा USB 2 टाइप सी केबल, 33 वाट का एक सुपर वूक चार्जर जो कि अच्छा है। तो चलो देखते हैं कि ये भी कितना तेजी से चार्ज करता है फ़ोन को। कंपनी एक क्लेम करती है कि 28 मिनट में लगभग लगभग 50% ये चार्ज हो सकता है। एंड यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी फ़ोन में। अब आती है फ़ोन की बारी, फ़ोन को रैप से बाहर निकालते हैं। ओ शाइनिंग शाइनिंग शाइनिंग, डुअल कैमरा सेटअप है और एक फ्लैश लाइट है। अब देख सकते हो इस फ़ोन का लुक एंड सामने से कुछ ऐसा है। गैस यहाँ पर मिनी कैप्सूल है, जैसे कि आईफोन में डायनेमिक आइलैंड है उस तरीके से यहाँ पर मिनी कैप्सूल है। इसको भी देखेंगे किस प्रकार से ये वर्क करता है। बैक देख सकते हो, बैक प्लास्टिक का है और यहाँ पर थोड़ा सा मैट फिनिश है एंड यहाँ ऐसा लग रहा है कि ग्लास है, लेकिन इसका जो फ्रेम है, बॉडी फ्रेम, वो भी प्लास्टिक का है, बैक वो भी प्लास्टिक का है, सामने में ग्लास लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो रियलमी की ब्रांडिंग है। फ़ोन के पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो फ़ोन के ऊपर साइड में कुछ भी नहीं है, फ़ोन के राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर प्लस यहाँ पर पावर बटन विथ फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की साइड में एक स्पीकर ग्रिल है, चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रोफोन है एंड यहाँ पर हेडफोन जैक भी देखने के लिए मिलता है, ये अच्छी बात है। फ़ोन के राइट साइड में ये सिम ट्रे ग्रिल है, देखते हैं इसको भी निकाल के। इस फ़ोन में डुअल माइक्रो सिम एंड एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये अच्छा है, मेमोरी को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो कवर लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से ये फ़ोन दिखेगा और अच्छा ही दिख रहा है मुझे तो। फ़ोन के बाहर के फीचर्स के बाद अब आती है फ़ोन के अंदर की फीचर्स की बारी। सो, इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा रियलमी UI वर्जन टी एडिशन जो कि अच्छा खासा है एंड यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन देखने के लिए मिलेगा आपको 13 का। एंड इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो पावरफुल यहाँ पर ऑक्टा कोर का चिपसेट है एंड 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मेरे पास फ़ोन है। एंड इसकी जो रैम है उसको एक्सपेंड करके 4GB तक और बढ़ा सकते हो वर्चुअल रैम को। सो ये और भी अच्छा है भाई, 4GB रैम चार और बढ़ जाएगी तो 8GB रैम की वर्चुअल रैम हो जाएगी। एंड इस फ़ोन में आपको रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा 90Hz का, जो कि ठीक ठाक है। 90Hz का रिफ्रेश रेट में जो फ़ोन की स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छी तो नहीं, लेकिन 60Hz से थोड़ा सा और भी अच्छा स्मूथनेस आएगा। इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करते हैं, बिग डिस्प्ले है 6.74 inches की, 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आता है। इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 560 का है, यदि इंडोर आप देखोगे तो अच्छे खासे यहाँ पर ब्राइटनेस दिख जाएगी, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे तो थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है थोड़ा रोशनी का। फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हो काफ़ी बड़ी है, आई साइड के जो बेजल्स हैं वो एवरेज साइज है, लेकिन ऊपर में यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे का जो चिन्ह है वो काफ़ी बड़ा है। YouTube में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 720p में HDR का सपोर्ट, 720p तक की आप वीडियो रेजोल्यूशन देख सकते हो एंड यहाँ पर HDR का सपोर्ट मिल रहा है, ये काफ़ी हद तक अच्छी बात है। तो जैसे मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो अच्छे खासे कलर देखने के लिए मिल रहा था, थोड़ी सी क्वालिटी इसकी कम है। यदि 720p की जगह 1080p रहता या 2K का भी सपोर्ट रहता तो काफ़ी हद तक अच्छी डिस्प्ले हो सकती थी, बट यहाँ पर एवरेज डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से मल्टीमीडिया इंजॉय कर सकते हो। एंड इस फ़ोन में सिंगल स्पीकर है, स्टूडियो स्पीकर नहीं है। सो देखते हैं सिंगल स्पीकर का जो लाउडनेस है वो कितना है। ओ भाई काफ़ी लाउड है, लेकिन यदि स्टूडियो स्पीकर होता
तो गेमिंग का एंड मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता। फ़ोन के बैक साइड में देखने के लिए मिलेगा 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 0.08 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड फ्लैश एलईडी लाइट के साथ। एंड फ़ोन के फ्रंट साइड में देखने के लिए मिलेगा आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलो कैमरा टेस्ट करते हैं कि इस फ़ोन में जो कैमरा की क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, तो इंडोर एंड आउटडोर दोनों में शूट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ क्लिक किए हैं। देखिए आप देख सकते हो, ये जो मैंने फ़ोटो लिया है वो 50 मेगापिक्सल के प्रो कैमरे से लिया है। सो इस प्रकार की फ़ोटो निकल के आई है। ये थोड़ी सी ब्लर हो चुकी है एंड इसकी जो क्वालिटी है उतनी ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी कम है, सेचुरेशन भी कम ही है, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पर जब मैं पोर्ट्रेट में फ़ोटो लिया तो काफ़ी देर तक प्रोसेस किया फ़ोटो लेने में। एंड यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो लिया नॉर्मल फ़ोटो, वो थोड़ी बहुत यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट की ठीक ठाक आ गई है। एंड आउटडोर जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा था तो फोकस उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, दूर वाला जल्दी से फोकस कर ले रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार के फ़ोटो के सैंपल आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सेल्फी फ़ोटोज़ की बात करें तो कुछ इस प्रकार की सेल्फी आई हुई है 5 मेगापिक्सल के कैमरे से। सो यहाँ पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कैमरे की, तो कैमरे में मैं बोलूँगा उतना अच्छा कैमरा नहीं है बैक एंड फ्रंट साइड का। यहाँ पर जब मैंने पोर्ट्रेट में फ़ोटो लिया तो यार पोर्ट्रेट में जो ब्लर है पीछे का वो अच्छा खासा ब्लर कर रहा था, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छा खासा फोकस कर रहा था। लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो, इस प्रकार की उसकी क्वालिटी नज़र आती है आपको। एंड जो ब्राइटनेस है एंड सेचुरेशन मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा है, और ब्राइटनेस भी ठीक ठाक मेंटेन करके रखा है। पोर्ट्रेट में थोड़ी बहुत ठीक ठाक फोटो आ सकती है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। इस प्रकार की फोटोज़ हैं, कैमरा मुझे उतना अच्छा खासा नहीं लगा है इस फ़ोन का। पोर्ट्रेट में हाँ ठीक ठाक फोटो आ रही थी एंड सेल्फी में भी थोड़ी बहुत ठीक फोटो आ रही थी, एवरेज फोटो आ रही थी। ऐसा नहीं कह सकते कि फ़ोन का जो कैमरा बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, एवरेज फोटो है। जो नॉर्मल बंदे हैं उनके लिए ठीक है, जो ज़्यादा फोटोज़ क्लिक नहीं करते उनके लिए ये ठीक फ़ोन है। सो जिन लोगों को सबसे ज़्यादा वेट था गेमिंग का, सो यहाँ पर गेमिंग टेस्ट हम इसमें करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ डिस्प्ले में, इसकी ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस इसमें मैक्स में एंड हाई रेश ऑन करके एंड जो FPS है मैंने यहाँ पर हाई में करके रख दिया हूँ। लेकिन यदि मैं इस ग्राफिक्स में इस फ़ोन में गेमिंग करूँगा तो शायद से मेरा उतना अच्छा गेम प्ले चले। सो मैं स्टैंडर्ड में यहाँ पर हाई FPS ऑन करके यहाँ पर हम गेमिंग करने वाले हैं। सो क्लियर बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पर गेमिंग पर्पस के लिए कोई बंदा फ़ोन लेता है तो मैं कहूँगा उसके लिए ये फ़ोन गेमिंग के लिए ठीक नहीं है। 8-9 हज़ार के अंदर भाई ऐसा फ़ोन जो नॉर्मल यूज़ करते हैं फ़ोन के या किसी बच्चे को देते हैं तो उनके लिए ठीक है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। लेकिन यदि आप बोलो कि इसमें गेमिंग कर लें मल्टीटास्किंग कर लें तो उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। 5000 mAh की बैटरी है, ठीक ठाक है, 33 वाट का फास्ट चार्जर है तो फ़ोन चार्ज भी हो जाएगा, 1 घंटे में शायद शायद फुल चार्ज हो जाए फ़ोन। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी ठीक ठाक लगी मुझे एंड काफ़ी मतलब उतनी भी बेकार नहीं सेंसिटिविटी। ग्राफिक्स सेटिंग स्टैंडर्ड एंड हाई FPS ऑन करने में मज़ा आया, गेमिंग ठीक ठाक चल रही है। अब है PUBG की बारी, PUBG में ग्राफिक्स एंड यहाँ पर गेम प्ले टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर चल जाता हूँ मैं ग्राफिक्स एंड ऑडियो में। यहाँ पर ग्राफिक्स में स्मूथ एंड जो फ्रेम रेट है उसको हाई में सेट करके इस स्टाइल को मूवी में सेट करके हम गेमिंग कर सकते हैं। एंड HD में भी सेम सेटिंग में गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन HDR, अल्ट्रा HD एंड UHD का सपोर्ट है नहीं इसमें। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्मूथ में गेमिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पर HD में करेंगे। फ्रेम रेट हाई में करने के बाद भी मुझे काफ़ी कम लगा है, 40-30 ऐसा कुछ अराउंड आता है फ्रेम रेट। तो यहाँ पर PUBG में भी हम स्मूथ में भी गेम प्ले करते हैं तो उतना अच्छा नहीं है, सेंसिटिविटी का थोड़ा बहुत अभाव है, सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत कम है। वैसे मैं कम ही सेंसिटिविटी में खेलता हूँ एंड एक तो मैं नूबड़ा हूँ भाई साहब, बिल्कुल भी गेमिंग करते नहीं आता मुझे PUBG में। फ्री फायर में IM प्रो प्लेयर, लेकिन PUBG में नूबड़ा। एंड PUBG में लो ग्राफिक्स में गेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है PUBG में भी। इसका जो प्रोसेसर है उतना पावरफुल नहीं है इसीलिए इसमें हाई ग्राफिक्स में गेमिंग नहीं कर सकते। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी की यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हो, जो ग्राफिक्स क्वालिटी मीडियम है, फ्रेम रेट है हाई में है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टाइल है उसको हम इसमें सेट कर सकते हैं एंड इतनी ही ग्राफिक्स हैं, लो में हाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं मीडियम में हाई करके हम गेमिंग करेंगे। देखो यार क्लियर बात, यदि ग्राफिक्स आपको कम देखने के लिए मिलता है इसका मतलब ये है कि जो गेमिंग फ़ोन है ये वो नहीं है, ठीक है। गेमिंग फ़ोन में अच्छी खासी आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगी, जो इसके ऑप्शंस खुले रहते हैं उससे ही पता चल जाता है फ़ोन की क्या ही है। तो भाई साहब
ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा फ़ोन नहीं है। यदि कोई ऐसी ही हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हैं, छोटे मोटे गेम खेलना चाहते हैं, फ्री फायर खेलना चाहते हैं कम सेटिंग में, तो भाई उसके लिए ठीक है। या हाईएस्ट सेटिंग में आप गेमिंग नहीं कर सकते, उतनी अच्छी गेमिंग कर सकते लेकिन उतनी अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते। तो ये रहे मेरे जो एक्सपीरियंस मैंने किया इस फ़ोन का। सो आपको वीडियो पसंद आती है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन पे सेट कर डालना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो, गेमिंग से रिलेटेड बहुत कुछ लेके आता हूँ आपके लिए, गेमिंग टेस्ट लेके आता हूँ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड आपके ओपिनियंस कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करना, ठीक है? आपके ओपिनियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट माय फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।